नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएलपी और टेक्नीशियन के रिजल्ट के बारे में दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में घोषित किया गया है। तो दोस्तों, आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करें, आपको इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं और आरआरबी की वेबसाइट पर अपन आप हम ले चलते हैं आपको। दोस्तों, ये रही आपके सामने आरआरबी की वेबसाइट जहां पर आपको रिजल्ट चेक करना है। दोस्तों, आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप वहां पर ना पहुंच पाए तो आपको जो यहाँ पर लिंक है, यह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट ही आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दोस्तों, जैसे जो ऊपर आपको लिखा है कैंडिडेट लॉगिन, दोस्तों आपको इसमें स्कोर कार्ड और क्वेश्चन पेपर मिल जाएगी, ठीक है। इसके दोस्तों आपको एडमिट कार्ड या फिर जो रिजल्ट है भाई कैसे चेक करना है, तो आपको सबसे पहले दोस्तों जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है भाई, आपको सबमें वाले ऊपरे वाले कॉलम में डालें, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है ए वाला, इस पर लिखा भी है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। इसके बाद दोस्तों पासवर्ड में, तो पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर डे डालेंगे जिस तारीख को आपकी जन्मदिन है, जन्म हुआ था यानी कि 2, फिर यहाँ माह डालेंगे 8/08 डालेंगे, और यहाँ वर्ष डाल देंगे यार 1900 जितना भी हो, 94, 95, 96 जितना भी हो यहाँ पर डालेंगे। दोस्तों इस फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है पासवर्ड की जगह पर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रमुख की, तो दोस्तों जो यह सबसे प्रमुख रहता है दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक डालना पड़ता है, क्योंकि यदि आपने गलत डाल दिया तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे कि इमेज में आपको ये नंबर दिख रहे हैं भाई, आपको इस कॉलम में टाइप करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसमें आप टाइप करेंगे। जैसे इसमें टाइप हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पर लॉग इन हो जाओगे। जैसे आप इस पर लॉग इन हो गए, आपके सामने आपका स्कोर कार्ड खुल जाएगा, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डालना है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड में डालना है डेट ऑफ बर्थ, और सब में लास्ट में आपको डालना है यहाँ पर जो इमेज यहाँ पर दिख रहे हैं भाई, इस बॉक्स में एंटर कर देना है। बस दोस्तों, यह ओनली 3 स्टेप हैं, आपके अपना रिजल्ट खुद चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।